सो गाइस हम सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा एडवेंचर कर लिया जाए अपनी ब्लैक बीच के साथ। तो ये एक ऑफ रोड है और हमारा भूचाल भाई वहाँ से एडवेंचर कर रहा है। सोच रहे कि यार ये वाला रास्ता ना बड़ा लंबा घूम के जाना पड़ेगा, यहीं से उतार देते हैं अपनी स्कॉर्पियो को। सो गाइस नुब्रा वैली में हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ भी एक बार डीजल फिल करवा देते हैं। और सामने अपने गुड़गांव की गाड़ी है 498, ऊपर इन्होंने रखा हुआ है लगेज के लिए, लगता है ऐसा जैसे रूफटॉप टेंट बनाया हुआ हो। डीजल की कॉस्ट और देखते हैं यहाँ पे क्या होगी। महंगा हो गया यहाँ तो है ना, सेम है जबकि इतने हाइट पे लेकर आ रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए, सेम ही है। तो भाई यहाँ है डीजल 90 रुपीज, ले में भरवाया था 89 समथिंग। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं हुंडर, और भाई यहाँ इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है, इतना तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं बहुत ज्यादा गर्मी है यार, ये थोड़ी जैकेट पहन ली थी हमने वहाँ पे, उसमें खंड गुलाबे वहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा थी और स्नो भी थी। यहाँ के भाई ऐसा लग रहा है राजस्थान पहुंच गए। क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो चुका है कि भाई लद्दाख में गर्मी है यार, लिटरली पसीने आ रहे हैं, मैं एसी चला रखा है। ये देख लो अभी हमने पूरी लद्दाख ट्रिप में ना अपना एसी ऑन नहीं किया था, हमें सिर्फ करना पड़ गया नुब्रा वैली में, और वो भी हुंडर के लिए जो कि दिखा रहा है 4 किलोमीटर। तो भाई देखो कैसी कैंपिंग साइट मिलेगी, शाम को क्या वेदर रहेगा। पर भाई मेरे को तो लग रहा है दीपक कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने हुंडर आके, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। बट नजारे देखो आप, नजारे अच्छे हैं। देखो आपको जो क्लाउड्स के नजारे मिलेंगे, फिर साइड में भाई बिल्कुल सेम सैंड ड्यून्स जैसे टीले बने हुए हैं रेत के, और लेफ्ट में पहाड़। ये देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, ये देखो भाई कैसे रेत के टीले बने हुए हैं, बिल्कुल जैसे उसमें होते हैं ना जैसलमेर। मेरे को तो यार राजस्थान वाली फील आ रही है बिल्कुल नुब्रा में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली हुंडा, क्या एक्साइटमेंट है गाइस कैंपिंग की तो भाई फुल ऑन एक्साइटमेंट भाई, गर्मी देख के इनकी हालत खराब हो गई है। हुंडर में ब्लंडर हुआ पड़ा भाई। भाई ब्लंडर हो गया हुंडर में हमारे साथ भाई, बहुत बड़ा धोखा हो गया। इतनी गर्मी है यार, परवल से ज्यादा गर्मी है। मम्मी का फोन है, मम्मी कहीं बारिश हो रही है, मैं ठंड तो नहीं तुम्हारे वहाँ पे भाई, क्या बताया टेम्परेचर गर्मी बढ़ रही है भाई, कपड़े उतार के फेंकने पड़ेंगे। हमें जगह ढूंढनी पड़ेगी कहाँ जी, यहाँ रिवर साइड तो है नहीं कहीं, हमें रिवर साइड कैंपिंग करनी थी वहीं नुब्रा में। और देखो लाइफ इज लाइक ए फोटोग्राफ, यू नीड द नेगेटिव्स टू डेवलप। नाइस, देखते हैं यहाँ पे पता करते हैं, किसी से बात बात करते हैं भाई क्या सीन है, कहाँ कैंपिंग होगी। तो गाइस हम फाइनली हुंडर पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे होती है कैमल राइड, अपने ढूंढने एक कैंपिंग की लोकेशन। और यहाँ पे अच्छी सी रिवर यहाँ बीच में जा रही है, लोग बैठे हुए हैं इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आपको दिखा देते हैं सामने, देखो यहाँ पे लोग जा रहे हैं ना, इधर हो रही है कैमल राइड। क्या करना अभी गाइस, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है कैमल राइड में क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखी है जैसलमेर में। अभी देखते हैं लोकेशन, जो रिवर जा रही है ना इसके साइड में कोई लोकेशन देखते हैं जहाँ पे अपना कैंप सेटअप हो सके, अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, वरना कहीं ऐसा कैंप देखेंगे प्राइवेट कैंप में ना। पर ये होनी चाहिए भाई रिवर साइड ही देखेंगे यार। मैं पता चलिए कि यहाँ जैसे दिन में अभी गर्मी है ना, तो नाइट में पूरा वेदर चेंज हो जाएगा, हमें फायर पिट की रिक्वायरमेंट रहेगी, इतनी ठंड हो जाती है। बाकी देखते हैं यार कैसा वेदर चेंज होता है। और ये पहाड़ देखो, और सारे मेरे को बजरी के पहाड़ लग रहे हैं, देखना पूरे रेती और कंकड़ पत्थर वाले होते हैं ना छोटे छोटे, उस टाइप के से हैं कुछ, मतलब कुछ अलग ही है जो आपको अपने यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, ये लद्दाख में ही आपको देखने को मिलेगा। भूचाल बॉय आओ चले। यस सो गाइस हम चलते हैं एक बार कैंपिंग लोकेशन देखते हैं, क्योंकि यार अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है कैमल राइड करने में, अपने को करनी है कैंपिंग। बाकी यार एक चीज कर सकते हो, ऐसे जैसे ना ये रिवर जा रही है ऐसे बैठो के साथ अपना वो रिलैक्स कर सकते हो भाई। ये देखो इधर कुछ लोग बैठे हुए, चिल वाइब्स है ऐसे, तो ठंडा पानी हो गए बस, काफी ज्यादा धूप है और टेम्परेचर भी काफी ज्यादा है। बाकी ये कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, मतलब रूम में। मैं कह रहा यार भाई एसी है रूम में, कह रहा एसी सर यहाँ पे तो फैन की जरूरत भी नहीं होती। देखो भाई फाइटर भाई, एचपी नंबर गाड़ी, लद्दाख पुलिस ने डाल रखी थी पोस्ट कि भाई ऐसे करोगे तो हट जाना भगतना पड़ेगा। उस एक कपल था मतलब उन्होंने ऐसे उतार दी थी, और उसके बाद उनको भाई 50,000 का चालान हुआ था। एक्टिविटीज प्लीज ड्राइव सेफ। तो भाई हमने एक कैंपिंग लोकेशन पता किया है, उसके लिए थोड़ा सा ऑफ रूट है। वो गेट क्रॉस करते ही कच्चा सा रास्ता गया है नीचे, भाई राइट में आपको ग्रीनरी दिखाई देगी और हल्का हल्का पानी, तो इसमें आगे ले जा रहे हैं हम गाड़ी, यहाँ कहीं बताई है कैंपिंग साइट। तो देखते हैं बाकी क्या रहेगा नजारा। ये देखो भाई प्रॉपर ऑफ रोड है, और थार के जो टायर लगा रखे हैं ना हमने 80 वाले, वो बहुत ही मस्त काम कर रहे हैं। नहीं दीपक उसी की वजह से तो भाई पता नहीं चल रहा है हमें कितना, मतलब ऑफ रोड ही पूरी पत्थर है ऊपर नीचे है, पर गाड़ी आराम से चल रही है, रिलैक्स बिल्कुल स्टेबल चल रही है बहुत मस्त। और ये देखो भाई नजारे, और भाई यहाँ पे एक वेब सीरीज है उसकी भी शूटिंग चल रही है, टीवी सब टीवी का सीरियल है अलीबाबा 40 करोड़, उसकी शूटिंग चल रही है। बस 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 सीधी सीधी सीधी
भाई ऐसे लोग होते हैं। बहुत दूर पहले से इसको डिपर दे दिए थे, फिर भी गाड़ी अगले ने वहाँ रोकी नहीं, मेन रोड पे। भाई टूरिस्ट को ना टूरिस्ट की तरह ट्रेंड नहीं करते, ट्रेंड नहीं ट्रीट। हाँ ट्रीट। हाँ भाई अभी हम हैं हुंडर में ही एक कैंप साइट में, तो आज हम यहाँ कैंपिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे दो तीन रीजन है क्यों, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वैसे हमने पूरा हुंडर विलेज है ना घूम लिया है भाई, और ऑफ रोडिंग भी कर ली है, बट कैंपिंग नहीं कर पा रहे हैं। और अभी हमने अपनी ब्लैक बीच खड़ी कर दी भाई यहाँ पे, और ये है कैंप्स जो हमने आज बुक करे हैं। और रीजन बताओ भाई, क्या रीजन है कि आज हम कैंपिंग नहीं कर रहे हैं? रीजन दो तीन मेजर ये हैं भाई। एक तो यहाँ पे ना मतलब लिमिटेड जगह है कैंपिंग करने के लिए, रिवर साइड, रिवर मतलब एक नदी सी निकल रही है, नहर टाइप है, उसके साइड में कैंपिंग करने की लोकेशन है। पर वहाँ पे क्या है ना कि लोगों ने गंदगी ज्यादा फैला दी है, तो इसलिए गाँव वाले लोग हैं और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो अलाउ नहीं कर रहा वहाँ पे कैंपिंग के लिए। अच्छा, और एक वो भी तो चल रही है, शूटिंग भी तो चल रही है, एक सीरियल की शूटिंग चल रही है, तो वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते। वो अलीबाबा 40 स्टोर की कोई सीरियल है, उसकी शूटिंग चल रही है अलीबाबा 40 स्टोर कोई सीरियल है उसकी, तो उस एरिया में तो आप कैंपिंग कर भी नहीं सकते, ठीक, कैंपिंग नहीं हो पा रही है। तो अभी आज के लिए हमने ले लिए ये वाले कैंप्स, तो मैं एक बार आपको कैंप दिखा देता हूँ कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे अपने को मिला है भाई डबल बेड और एक ये सिंगल बेड, तो तीन बंदे इस पे और एक बंदा यहाँ पे। ये है कुछ ऐसा वॉशरूम, और यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट है, लाइट है, तो परफेक्ट है यार, जितने की रिक्वायरमेंट है कैंपिंग में जो भी होती है चीजें। तो पर्सनल कैंपिंग तो नहीं हो रही है, वैसे तो कैंपिंग ही कर रहे हैं हम। दो घंटे लगाए हैं भाई, पूरे दो घंटे लोकेशन ढूंढने में, पर नहीं मिली। पूरा हुंडर विलेज घूम लिया हमने, अब तो पूरे विलेज की जानकारी होगी हमें, गली गली का चप्पा चप्पा छान मारा। तो यार जब हम घुसे थे ना इसमें विलेज में हुंडर के अंदर, तो हमें लगा था कि जैसे बाहर की जो शॉप्स दिखाई दे रही हैं ये एक दो शॉप होंगे, एक दो घर होंगे। बट जब हम पूरा ऑफ रोडिंग करके निकले ना, जो हम कैंपिंग साइट में, जैसे मैंने बताया था आपको कि वो जहाँ पे कैमल राइड होती है उससे पहले जो कच्चा रास्ता गया है, तो वहां से जब हमने देखा ना अंदर से भाई इतना बड़ा गांव है भाई, अपनी गाड़ी घूमती रहेगी वहां पे। जैसे तैसे करके मेन हाईवे पे पहुंचे, तो वहां से फिर हमने एक दो कैंप्स पता किए, फाइनली अपने को ये मिल गया। तो यहाँ पे भाई अब रिलैक्स करेंगे। और एक और अपडेट है वाली, पेंगोंग का भाई, नुब्रा से जो पेंगोंग के लिए रोड जाता है ना वो बंद हो गया, क्योंकि दो तीन दिन से ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, धूप बहुत ज्यादा निकल रही है, जिसकी वजह से जो बर्फ है ना वो पिघल रही है और रोड डैमेज हो गया पूरा। देखो तो भाई वो रोड डैमेज हो गया, तो अब नुब्रा से पेंगोंग जाना मतलब पॉसिबल नहीं है, बाकी देखते हैं। वैसे तो आर्मी ने बैरियर्स लगाए हुए हैं, तो अभी एक गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे गुड़गांव की ये सामने, तो वो लोग आज ही वापस आए हैं, मतलब यहाँ से गए थे कैंप से, बट वो रास्ता बंद था, आर्मी ने उनको वापस भेज दिया, तो वापस वो नुब्रा आ गए। अगर जाना है पेंगोंग तो पहले लेह जाना पड़ेगा वाय खरदुंगला, फिर लेह से जाना पड़ेगा पेंगोंग, बट जो भी होगा वो आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी भाई रिलैक्स करते हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि ड्राइविंग कर रहे हैं, और कुछ किया ही नहीं आज, तो रेस्ट करते हैं भाई, अब थोड़ी देर में मिलते हैं। तो जी अभी हम जा रहे हैं एक जगह कैंपिंग साइट पे ही जा रहे हैं, जिसको हम आज पूरे दिन से सर्च कर रहे थे ना हुंडर में, वहां पे अपनी एक और कैंपर वैन है जो कि हमारे साथ देहरादून में कैंपिंग कर रहे थे, तो अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। तो यार हमें एक्चुअली में पता नहीं था कि वो यहीं पे ही, अभी दीपक की बात हुई उनसे, तो अभी आपको भी मिलवाते हैं उनसे जाकर। तो दोबारा से वही लोकेशन पे आ गए हम, वैसे एक्चुअली में जहाँ पे हम डे टाइम में सर्च कर रहे थे कैंपिंग से, वहाँ पे हमें आइडिया नहीं था कि अपनी कोई कैंपर वैन होगी ना भाई, हमें बताया था किसी ने लोग ओवरलैंडिंग कर रहे हैं, पर हमने काफी सर्च किया वो मिल नहीं भाई, बाद में अभी बात हुई उनसे तो पता चला कि वो लोग अपने ही हैं। तो भाई हम रास्ता भटक चुके हैं हुंडर में, कैंपर वैन हमें कहीं दिखाई दे नहीं रही है, दीपक की बात हो चुकी है दो तीन बार, अब देखो। तो ये भी इन्होंने शायद किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कर रखी है ना, मतलब सब्सक्राइबर की प्रॉपर्टी पे। तो भाई यहाँ पे जैसे हम आपको डे टाइम में बता रहे थे ना कि कैंपिंग अब अलाउड नहीं है, परमिट नहीं कर रहे हैं। हमें बताया था किसी ने यहाँ पे तीन चार दिन से कैंपिंग कर रहे हैं कुछ लोग, हाँ बट हमें ये नहीं पता था कि आप ही लोग कर रहे हो, घंटे हम ढूंढ के गए, हाँ अच्छा हमें मिले ही नहीं, हमने सोचा कि कहाँ है मिल जाए कौन है। सही बात। हेलो कॉल कर लिया। हेलो, बच्चे सो गए होंगे? हाँ सब सो गए। हमने ज्यादा लेट आपको कॉन्टेक्ट किया, हमको ना आइडिया नहीं था बिल्कुल। एक्चुअल था क्या, जैसे हम यहाँ पे आए हैं हुंडर, कल का प्लान था पेंगोंग जाने का, कल और पेंगोंग जो हुंडर टू पेंगोंग रास्ता है वो है खराब, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर की वजह से कई सारी वाटर क्रॉसिंग बन गई है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि डीप वाटर क्रॉसिंग हो गई है। सही बात। तो हमारा प्लान था कि हम ले वापस जाएं, ले टू पेंगोंग और फिर वाया श्रीनगर होते हुए, चांगला से होते हुए, हाँ, और वाया श्रीनगर घर वापस जाएं। जाइए ना खालसर होते हुए जाइए आप,
खालसर से ही वही रोड ना क्लोज हो गया, खालसर के आगे कट्टा है लेफ्ट हैंड साइड को, वो क्लोज थोड़ी हुआ है, क्लोज हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग बता रहे हैं, आज भी एक गाड़ी गई थी जिसमें हम जहाँ पे रुके हुए है ना, वो लोग गुड़गांव गए हैं, वो गए थे दिन में और वापस आ गए वहां से। क्योंकि क्या है कि जो आइस जमी हुई है ना वो कह रहे हैं ज्यादा मेल्ट हो गई, पूरा मतलब फ्लो आ रहा है पानी का। ये तो मैं समझ गया, पिछली बार मैं भी उसी रास्ते से गया था। हेलो, थैंक यू भाभी जी। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अधिक पूरा है ना, वीडियो में देखा है। हाँ, सोए हुए हैं सामने, हमारा सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर का सीपीयू है। कंफर्टेबल, अच्छा बनाया हुआ है सेटअप, मतलब फैमिली के साथ जाओ तो एटलीस्ट ट्रैवलर यू शुड हैव। लंबा जाना है तो ये हाँ, लंबा जाना है, 5-10 दिन की करनी है तो ये गाड़ी ठीक है, क्योंकि आप फास्ट मूव नहीं कर सकते इस गाड़ी में, एकदम क्लीन होता है। ये सब जो गंदा है ये सब रात को होता है। अच्छा, शाम को चहल पहल थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ, लोगों ने बड़ी बोतल प्लास्टिक वगैरह डाली हुई है, बहुत गंदा किया हुआ है। चलो आप रेस्ट करो। ओके, नाइस टू मीट यू। ओके सर, चलो। तो भाई आप वापस जा रहे हैं अपने कैंप्स की तरफ, विवेक सर से मिल ली और भाभी जी थी, बाकी बच्चे उनके सो चुके थे, तो कैंपर वैन में ट्रैवल करते हैं। हमारी देहरादून वाली सीरीज देखिए, होली वाली, तो वहाँ का जो एक्सपीडिशन था ना, इंडियाज बिगेस्ट ओवरलैंडिंग एक्सपीडिशन, जो प्लान किया था सब विवेक सर ने और विक्रम सर ने किया था, वो मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। हमें दिन के टाइम में पता चल जाता कि विवेक सर ही कैंपिंग कर रहे हैं, तो फिर हम उनके साथ ही कर लेते। अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, देखते हैं कल का क्या प्लान रहेगा। बाकी ये भी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर की पे, अगर आपको किसी से जानकारी है लोकल से तो ही कैंपिंग करना सही है। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, आज वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तुम्हारे भाई ने दो वीडियो एडिट कर दी, एक सुबह और एक दोपहर को, बट अपलोड नहीं हो पाई भाई। सुबह वाली वीडियो आ गई, शाम वाली वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, बाकी देखते हैं कल डाल देंगे उसको और ट्राई करेंगे कि दो वीडियोज का ही अपना फ्लो बना रहे, क्योंकि कल अपने को शायद हो सकता है लेह के लिए निकलना पड़े, क्योंकि यहाँ से पेंगोंग वाला रास्ता है बंद, तो लेह जाएंगे, लेह से फिर पेंगोंग जाएंगे, देखते हैं जो भी होगा आपको प्लान पता चल जाएगी। बाकी अभी यार चलते हैं सीधा, टाइम हो चुका है 11:13, तो सीधा अपने कैंप्स में चलते हैं, जाके थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे, ठीक है।